नमस्कार, मैं हूं विक्रांत कुमार। आज की सबसे बड़ी खबर, पटना पुलिस की तत्परता से अपराधियों के मंसूबे को किया नाकाम। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कोतवाली थाना अंतर्गत जीपी गोलंबर के पास जब पुलिस चेकिंग कर रही थी थाना प्रभारी श्री रामशंकर जी के नेतृत्व में, तब वहां पे कुछ अपराधी दिखे जो पुलिस को देखकर पुलिस पर हमला करने का प्रयास किए। उसी क्रम में पुलिस के जो पदाधिकारी थे इनके साथ उन्होंने वीरता वाला काम किया और इनको धर दबोचा। इनके पास से एक जिंदा बम और कई जिंदा कारतूस और पिस्टल बरामद की गई है। जब इनका मोबाइल चेक किया गया तो इनके पास जो इनके साथी थे उनके बारे में भी पता लगा जो हथियार लिए हुए हैं। दो लोगों को फिलहाल पकड़ा गया है, जिसमें से एक अपराधी राजू कुमार अपने आप को बेगूसराय का बताता है। और जब इससे पूछताछ की गई तो इसके द्वारा बताया गया कि ये निश्चित रूप से राहगीरों को लूटते और लूटने के क्रम में अगर बाधा डलती तो उनको हत्या भी कर देते और बम मार के मोबाइल छिनते किया गया था। मोबाइल और पैसा छिनाया था। तो वो लड़का जा रहा था, हम लोग गश्ती में थे ही, उसी क्रम में बोला, उसको लेके ही हम लोग जैसे आगे बढ़े तो जीपीओ के पास तीन लड़का को वो पहचान लिया कि यही लोग था। उन लोग को रुकने का इशारा किए तो भागने लगा, उसी के पीछे हम लोग भागे। हम ई दोनों आदमी हम लोग भागे उधर कबाड़ी गली तरफ, वो घुस गया अंदर में। पूरा अंधेरा था, एक जगह वो रुक गया, एक कोना था घर का, उसी कोने में रुक गया। जैसे उसके पास पहुँचे, एक हाथ में बम लिए हुए था, वो बम फेंकने का प्रयास किया और एक और जो देसी कट्टा है वो कट्टा भी लोड किए हुए था, वो भी चलाने का प्रयास किया। नज़दीक होने के चलते हाथ पकड़ लिए, पकड़ के थाना लाया गया। जिस तरीके से कोतवाली थाना के सिपाही मुकेश कुमार ने अपराधियों से लोहा लेते हुए अपराधियों को गिरफ्तार किया, कैमरामैन अनीश कुमार के साथ विक्रांत कुमार, न्यूज़ 1 11 पटना।